एक सारांश एक पुस्तक का आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपने 7 Habits of Highly Effective People जो पुस्तक आपने शायद पढ़ा होगा, स्टीफन कोवी जो सबसे बड़े माने जाने वाले मैनेजमेंट गुरु थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखा है, कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट फेमस मैनेजमेंट बुक एवर रिटन। इस पुस्तक उन्होंने लिखा, बहुत समझने वाली ये बात है, ध्यान से सुनना। उन्होंने अपने जीवन में ये पुस्तक लिखने से पहले 3000 सक्सेसफुल लोगों का संपर्क किया, जो सिर्फ धन कमाने में या व्यवसाय बढ़ाने में सफल नहीं, बड़े व्यवसाय के साथ जीवन के सभी रोल में सफल थे। हस्बैंड या वाइफ, ब्रदर या सिस्टर, नेबर या रिलेटिव, फ्रेंड, डॉटर या सन, सभी जो रोल हमें जीवन में सभी को करना है, वो सभी रोल में ये लोग सफलता उन्होंने पाई थी। ऐसे 3000 से ज्यादा लोग को वे मिले और मिलने के बाद शांति से 3 साल तक सोच मतलब विचार किए और फिर ये पुस्तक लिखिए, द 7 Habits of Highly Effective People, मतलब अति असरकारक व्यक्तित्व धराने वाले व्यक्तियों के जीवन में ये 7 आदतें मैंने कॉमन देखी। मैं सभी का वर्णन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ आपको नाम देता हूं। प्रथम आदत थी प्रोएक्टिव, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग एक्टिव तो हैं, प्रोएक्टिविटी मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव, प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। आपके घर में आपके मन के मुताबिक बात नहीं बनी, फिर भी आप सबको साथ देना चाहते हो। आप जो ट्रस्ट में हो, जो संस्था में हो, जिसमें आपका प्रोजेक्ट आपका विचार अच्छे थे लेकिन सर्वानुमत से वो स्वीकार नहीं किया गया और किसी और का विचार स्वीकार किया गया, फिर भी आप इतने उत्साह से उस प्रोजेक्ट में अपने आप को वो सेवा में जोड़ सकते हो। ये बोलते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। आपका किसी ने अपमान किया, फिर उस वक्त आप स्थिर रह सकते हो, ये सफलता के लिए बहुत जरूरी है। कोई बड़ी आपत्ति आपके जीवन में आ गई, अ सेटबैक, अ फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उस वक्त आप स्थिर रहे, आपने जो विचार या उस वक्त जो एक्शंस बताए वो नीति नियम के अनुसार थे या गैर रीति में आप चले गए। प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। किसी ने चांटा मारा फिर भी आप हंस रहे हैं, हंस सकते हैं। To keep yourself stable is the first important aspect. प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। दूसरी बात लिखते हैं, begin with the end in mind. जो भी आप करना चाहते हैं तो उसका अंतिम परिणाम आप क्या चाहते हैं वो आप अभी से सोच लें, और अंतिम नतीजा शायद क्या भी आ सकता है वो भी आप तैयार कर लें। तीसरी बात लिखिए, पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटी। चौथी बात लिखिए, थिंक विन विन। आप भी जीते, मैं भी जीतू, आप भी पैसा कमाएं, मैं भी कमाऊं, आप भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं, क्योंकि ये नेट का जमाना है, एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी कंट्रोल का जमाना है। आप किसी व्यक्ति या किसी कलीग के साथ एक बार दो बार चीटिंग कर पाओगे, तीसरी और चौथी बार नहीं। यस और नो? थिंक विन विन। मैं जिसके साथ धंधा करता हूं वो भी जीते, मैं भी जीतू, वो भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं, दोनों कमाए। पांचवी बात लिखी थी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये मिलियनर यूथ समृद्ध जीवन के लिए ये आदत बहुत जरूरी है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। आप पहले वो व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करें, फिर वो व्यक्ति मुझे समझे ऐसी अपेक्षा रखे। हमारी बात ये होती है कि देख तू मेरा सुन, पहले तू मेरी बात सुन। ये स्टीफन कोवी लिखते हैं, ये 3000 सक्सेसफुल पीपल के जीवन में ये आदत थी। पहले वे सामने वाली व्यक्ति को शांति से सुनते थे। कभी हम सुनते हैं तो उसके पीछे हमारा विचार ये रहता है कि इसको उत्तर क्या दूं। उत्तर देने के लिए मत सुनना, स्टीफन कोवी लिखते हैं एम्फैटिक लिसनिंग, समझने के लिए सुनना। पांच आदतें हुई। सिक्स्थ लिखते हैं सिनर्जी,
एनर्जी तो हम सब समझते हैं, मतलब आगे ऐसा लगता है सिनर्जी, मतलब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब साथ में आते हैं, कुछ काम करने का निर्णय लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं, मतभेद हो जाते हैं, कभी मनभेद भी हो जाते हैं, फिर भी साथ रहने का निश्चय करते हैं, साथ रहते हैं और चर्चा करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए अपनी एनर्जी रिसोर्सेज अंदर डालते हैं, एक परिणाम पैदा करते हैं और परिणाम का आनंद लेते हैं, उसी आनंद में दूसरा काम करने का तैयार करते हैं, उसको सिनर्जी बोलते हैं। ये सिनर्जी के साथ काम करना वो आपको समृद्ध बनाएगा। लेकिन हमारी विचारधारा और आदत ऐसी है, 3 Indian = 3 Japanese, एक भारतीय उसमें इतनी ताकत होती है, 3 Japanese जो काम कर सकते वो एक भारतीय कर सकता है। 1 Indian = 3 Japanese, 2 Indians = 1 Japanese। अब पता चला, जब दो भारतीय साथ में आते हैं ना तब संघ टूटता है। मेरे हिसाब से करना है, वो बोले मेरे हिसाब से करना है, तो फिर दोनों की शक्ति साथ में आती है तो भी कितनी बन जाती है, 1 Japanese। एंड 3 Indians = 0, 3 साथ में आ जाते हैं तो 0 बन जाता है। मुझे तो अभी कहा गया कि सब यहां जो आपकी टीम है जीतो की और ये ऑर्गेनाइजेशन के सब कई बार बात करते थे, सब जब पीछे बैठे थे, बहुत सम से एक बहुत अच्छी टीम बनी है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बोल रहे थे कि सब यहाँ देने आए हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करने आए हैं, तो ये एक भावना है तो ही इतना बड़ा काम होता है, वरना कैसे होता है। और 7th habit लिखते हैं, शार्पन योर सॉ, मतलब आपको अगर इफ यू वॉन्ट टू कट अ ट्री बाय अ सॉ तो यू हैव टू शार्पन इट, तो योर सॉ, योर फिजिकल सॉ, यू हैव टू कीप एक्सरसाइजेस, मेंटल सॉ, यू हैव टू कीप गुड रीडिंग एंड थिंकिंग गुड, your emotional saw, that is you have to have the right type of feelings, and your spiritual saw. Isme Stephen Covey likhte hain ki connect with your creator through prayers every day. Aap apne sarjanhar ke sath sambandh nitya rakhna prarthna ke roop se. Ye 3000 safal vyakti ke jeevan mein unhone bhagwan ke prati shraddha dridh dekhi. Ye safalta ka bahut bada karan hai.